ललन टॉप के व्यूअर हैं मंदीप, 35 साल के हैं और उनके शरीर पर कई जगह, खासतौर पर पीठ और पेट पर कई सालों से तिल और मस्से हैं, पर पिछले कुछ समय से इनमें थोड़ा बदलाव वो नोटिस कर रहे हैं। एक तो उनके शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी नए तिल निकल आए हैं और पुराने एक मस्से का साइज बढ़ गया है, साथ ही रंग भी बदल गया है। वो जानना चाहते हैं कि कहीं कैंसर का लक्षण तो नहीं। देखिए, शरीर पर तिल या फिर मस्से होना एक बहुत ही आम बात है, पर अगर उनमें अचानक से बदलाव आने लगे तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। किस तरह के बदलाव पर आपको नजर रखनी है बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि शरीर पर तिल और मस्से बनते क्यों हैं। जो तिल, जिनको हम बेसिकली मोल भी बोलते हैं, हमने आपने देखा होगा आपके चेहरे पर, आपके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे काले रंग के उभरे हुए निशान होते हैं या भी थोड़ा लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उनको हम बेसिकली मोल बोलते हैं, तिल बोलते हैं, मेलानोसाइटिक निवस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। पहला जेनेटिक कारण होता है, जो दूसरा कारण हमारा इम्यूनो सपरेशन हो सकता है, जैसे कीमोथेरेपी जब हम ड्रग्स लेते हैं, बाई चांस कैंसर की थेरेपी किसी की चल रही हो या फिर किसी को HIV हो या बहुत सारे इम्यूनिटी डाउन करने वाली चीज़ें हैं, तो उस केस में भी ये बढ़ जाते हैं। तीसरा जो एक रीजन होता है, सन एक्सपोजर होता है, बेसिकली सन एक्सपोज्ड एरिया में मोस्टली देखने को मिलते हैं और बेसिकली ये बचपन से लेके यंग एज में ज़्यादा पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में मिलते हैं। ये बेसिकली हमारी जो मेलानोसाइट सेल होती हैं, जो हमारा कलर प्रोड्यूस करती हैं, वो सेल जब ज़्यादा नंबर में एक स्थान पर इकट्ठे हो जाती हैं और ग्रो करती है तो उस स्थान पर ये बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे मस्सों के बारे में, जिनको हम वोट भी कहते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से होता है। ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और बेसिकली जो HIV पेशेंट होते हैं, और बेसिकली इसके और बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम बार्बर की शॉप पर जाते हैं तो उस्तरा लगने से या फिर जो कटे फटे हमारी जो घाव बने होते हैं स्किन पे, वहाँ से बेसिकली वायरस फैल जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी ये फैल जाता है अगर आपके पार्टनर को वोट हो रखे हों तो। जो इन सेल से जो कैंसर होता है उनको हम बेसिकली मेलानोमा बोलते हैं। हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब हमें लग रहा है कि हमारा जो मोल है या हमारा तिल है वो एसिमेट्रिकली बढ़ रहा है, जैसे कि उसकी जो शेप है वो यूनिफॉर्म थी पहले, अब वो एक तरफ से ज़्यादा बढ़ रहा है, एक तरफ से कम हो गया है। दूसरा, उसके बॉर्डर इरेगुलर होने स्टार्ट हो गए हैं, इरेगुलर जो उसके अराउंड जो उसके बॉर्डर रहते हैं वो। तीसरा, जब उसका कलर में आपने एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। और चौथा, हमारा उसका डायमीटर बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, मतलब वो लीजर हमारा बढ़ रहा है। और लास्ट ये कि जब उसमें से कुछ निकलना स्टार्ट हो जाए, कुछ ब्लीडिंग निकलनी स्टार्ट हो जाए या फिर कुछ भी चीज़ें कुछ अनयूजुअल हमें दिखता है, तो उस केस में बेसिकली हमें डॉक्टर की सलाह के लिए जाना चाहिए। बेसिकली कैंसर की जो बात की जाए तो बेसिकली जो हमारे जेनेटल वॉट होते हैं, जो हमारे HPV के जो सब टाइप्स होते हैं, हाई रिस्क सब टाइप होते हैं, उनसे जो होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें बहुत सारी और अदर इन्वेस्टिगेशन भी करवानी पड़ती है। और दूसरा, अगर हमारा कोई और दूसरा वॉट है वो अगर एकदम से साइज में बढ़ रहा है, शेप उसकी चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा एक बार डाउट करना चाहिए कि कैंसरस भी हो सकता है या फिर उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसका बेसिकली ट्रीटमेंट काफ़ी तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका है कि हम जला के इसको निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोकोटरी से, रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन से, RF से। और तीसरा, हम CO2 लेज़र से भी इसको हटा सकते हैं, पर थोड़ा बहुत एक स्कार बनने का एक चांस रहता है उस केस में। और इसके अलावा केमिकल कोटराइजेशन भी कर सकते हैं, जो हमारे पास TCA आता है, वो जो हम एक डॉक्टर आपके कभी आप गए होंगे तो वो एक दवाई होती है लगाने की, जिससे कि उस पर हम लगा के छोड़ देते हैं, कुछ दिन में वो धीरे 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 करके वो निकल जाता है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट बेसिकली किया जाता है। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा घबराने की ज़रूरत होती नहीं है, इन केस जब आपको सिम्टम्स कुछ दिखे तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तिल मस्से कैंसर में कब बदल सकते हैं ये आपने सुन लिया, बताए गए बदलाव नोटिस करें तो फिर डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के लिए सेगमेंट की तरफ, तन की बात, जानिए कब रूट कनाल करवाना जरूरी हो जाता है। रूट कनाल एक डेंटल ट्रीटमेंट है, जब दांतों में गंदगी से इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है और ये दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता तब रूट कनाल किया जाता है। कई लोग रूट कनाल करवाने से बचते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है।
डॉक्टर विभूति जैन बताती हैं कि दांतों में जोरों का दर्द, मुंह में सूजन और जबड़े में सूजन, ये कुछ अहम लक्षण हैं। अगर किसी भी चीज से आराम ना मिले तो ऐसे में डॉक्टर एक्सरे करके ये देखते हैं कि दांतों की सड़न कहाँ तक जा रही है। इसके बाद पता चलता है कि क्या रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। अगर रूट कनाल ट्रीटमेंट समय से ना करवाया जाए तो इन्फेक्शन दांत की नसों को भी पार कर देता है, हड्डी तक चला जाता है और हड्डी में पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर दूसरा इलाज किया जाता है जो ज्यादा मुश्किल होता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट को सफल बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए समय से रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। समझे, अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। क्या ग्लूटेन फ्री खाना ज्यादा हेल्दी होता है? आजकल कई लोग ग्लूटेन खाने से बच रहे हैं। ग्लूटेन गेहूं और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि ओट्स और जौ में पाई जाने वाला प्रोटीन होता है। अब कई लोग पेट की कुछ बीमारियों के चलते ग्लूटेन नहीं खा सकते। डॉक्टर भी ऐसे लोगों को ग्लूटेन फ्री खाना खाने की सलाह देते हैं, पर आजकल ग्लूटेन फ्री खाना एक ट्रेंड सा बन गया है। अब जिन लोगों को ग्लूटेन से कोई भी समस्या नहीं है वो भी इसे अवॉइड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा करने से कई सारे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। गेहूं और ओट्स में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें ना खाने की वजह से आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, फाइबर और थायमिन जैसे तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए जब तक आपको डॉक्टर ग्लूटेन फ्री फूड खाने की सलाह ना दे तब तक प्लीज इसके पीछे ना भागें। आज से यह इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, आपने हमारी स्पेशल कवरेज द रियल केरला स्टोरी का पहला भाग देखा, अब आने वाला है दूसरा भाग। इसमें कहानी उन लोगों की जिन्हें आईसिस ने थैंक्स कहा, उन लड़कियों की कहानी है जिनके इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने और धर्म परिवर्तन करवाने की कहानियां चलती हैं। जेलों में बंदी लड़कियां क्या इंडिया आ पाएंगी? क्या ये इंडिया वापस आना चाहती हैं? कुछ दिनों के इंतजार के बाद केरला स्टोरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री एक पार्ट में देख पाएंगे। शनिवार 27 मई 2023 को दोपहर 3 बजे। सूचना समाप्त।